हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि आपको सब जानते हैं कि आज होली की वजह से कोई सेशन नहीं था मॉर्निंग पिल्स का, तो मैंने सोचा एक छोटा सा रूब्रिक सेशन रख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का रूब्रिक। छोटा से एक मैं आपको कुछ सीन्स दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा उसमें क्या क्या हुआ था, और उसके बाद आपको उसका रूब्रिक समझना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये सीन है बाजीगर मूवी का, जिसमें शिल्पा शेट्टी एंड शाहरुख खान रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं शादी के लिए, लेकिन वहां पर अनफॉर्चुनेटली लंच टाइम चल रहा होता है। तो बोलते हैं अब क्या करेंगे, तो हीरो बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम छत पे चल के टहलते हैं। तो वो उसको ले आता है छत पर। छत पर इतनी ऊंचाई देखने के बाद ऊपर से जब वो छत पे नीचे देखती है तो उसको डर, घबराहट और वर्टाइगो होता है। तो वो कहती है कि इतनी ऊपर से देखने से मुझे बड़ा घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है और मैं देख नहीं पा रही हूँ, इतनी ऊपर आप ले आए हो मुझे। तो आपको मुझे सबसे पहले ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या रूब्रिक बनेगा। आगे बात करते हैं। तो वो फिर उसके बाद आपस में बात करते हैं। तो उससे पूछती है कि एक दूल्हा दुल्हन को फर्स्ट टाइम वेडिंग पर क्या गिफ्ट करता है। तो शाहरुख खान समझ नहीं पाते, बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं भूल गया कुछ भी लाना। तो बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं लाई हूँ ये मंगलसूत्र जिसमें एक लॉकेट है। इस लॉकेट में दोनों की तस्वीरें हैं प्यारी सी, जिससे आपके साथ में हमेशा बनी रहूँगी। और इस रोमांटिक सीन को आगे बढ़ाते हैं और वो उसको बोलता है कि इतना प्यारा गिफ्ट तुमने मुझे दिया है और इस प्यारे गिफ्ट के बदले में तुम्हें क्या दूँ, मैं पूरा संसार भी छोटा पड़ता है और मैं आपको चाहता हूँ कि हर वक्त हर समय इतना प्यार देता रहूँ कि आप भूल ना सको। और वो उसको उठा करके ऊपर बिठाता है मुंडेर पे, जहाँ वो कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है, पर वो कहता है कि आप बिल्कुल मत डरिए, आपको सिर्फ मुझे देखना है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको इतनी दूर तक ले जाऊँगा, उस ऊंचाई तक ले जाऊँगा जहाँ से सब रिलेशन छोटे लगने लगेंगे और मैं आपको इन सभी बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा और मैं आज आपको आज़ाद कर रहा हूँ। और ये कहते ही अचानक से वो उसको उठा के नीचे फेंक देता है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा सीन आपको मैंने लिबरेट किया और किस तरीके से एक प्यार भरा सीन एक नफरत भरे सीन में, एक रंजिश में, एक कत्ल में तब्दील हो जाता है। तो इस सीन को देखने के बाद आपको इस हीरो के बारे में 30 सेकंड के अंदर सोचना होगा कि इस पर क्या रूब्रिक फिट बैठेगा। इन 30 सेकंडों में आपको ये सारी कहानी दोहरानी होगी, किस तरीके से वो हीरोइन को लाता है, किस तरीके से उस पर प्यार जताता है, किस तरीके से वो उससे बातें करता है और इस प्यार मोहब्बत बातें शादी वादों के जाल में फंसा कर उसको अचानक इतनी ऊपर बहुमंजिला इमारत से फेंक देता है, जिसका अंजाम आप सभी के सामने। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या इसका रूब्रिक है। अगर नहीं तो हम अभी समझेंगे, क्योंकि इस रूब्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, हालांकि बहुत छोटा है लेकिन यूज़फुल है। ये रूब्रिक है माइंड एब्रप्ट अफेक्शनेट रफ येट, या जिसको पढ़ सकते हैं आप माइंड एब्रप्ट रफ येट अफेक्शनेट। इसमें जो मेडिसिन दी हैं ऑरम म्यूर, लाइकोर, नेट्रम म्यूर, नेक्सोमेका, पोडोफाइलम और पल्सेटिला। पल्सेटिला इसमें हाई ग्रेड रेमेडी दी हुई है। तो आप इस बड़े रूब्रिक को समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अफेक्शनेट हम पहले जान चुके हैं। अफेक्शनेट होता है स्नेही, किसी को लव अफेक्शन शो करना। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारा रूब्रिक जो है
जो हमारा हीरो था वो ये इस रूब्रिक पे फिट बैठ रहा था. ही इज़ वेरी अफेक्शनेट, बहुत लविंग था, पूरा हर समय उसका केयर करना, उसको लेके आना, उसको घुमाना, तो उसके प्यार मोहब्बत शो कर रहा था. तो पूरी तरीके से वो अफेक्शनेट था. हमने पहले कई वीडियो में अफेक्शनेट को अच्छे से समझा हुआ है. अब हमें समझना है एब्रप्ट और रफ़ को. एब्रप्ट है सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज, आकस्मिक और अप्रत्याशित, जिसके बारे में सोचा ना हो. क्या उस लड़की ने, क्या उस हीरोइन ने ये सोचा था कि शादी करने लेके आया है और मुझे छत पर ले जाके ऊपर से फेंक देगा? बिल्कुल नहीं. लेकिन ये सारी घटना इतनी सडन और अनएक्सपेक्टेड होती है कि वो सोच नहीं पाती, इसलिए उसके लिए यहाँ पर ये रूब्रिक बनता है अब्रप्ट. दूसरा है रफ़. रफ़ का मतलब होता है नॉट स्मूथ, सॉफ्ट और लेवल. लेवल पे ना होना, सॉफ्ट ना होना, जिसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर ना हो. तो निश्चित ही वो एक रफ़ था क्योंकि उसके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, उसमें कोई स्मूदनेस नहीं थी, अंदर दिल बहुत रफ़ था उसका. इसीलिए ये रूब्रिक बनता है सारे तीनों चीज़ों को जोड़ करके, माइंड एब्रप्ट, रफ येट अफेक्शनेट, यानी कि एकदम से अचानक कुछ करने वाला माइंड जो अफेक्शनेट तो दिखता है बट रफ है. तो होपफुली आपको आज का रूब्रिक समझ में आया होगा. तो इसी आशा के साथ मिलेंगे कल फिर मॉर्निंग पिल के अंदर. तब तक के लिए हैप्पी होली एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.